ये देखो, चलो अंदर चलते दर्शन के लिए अब बाबा जी के। शक्कर भर रहे हैं पूरी गाइस। ये देखो सीढ़ियां, ये मतलब आगे बड़ा रास्ता है जहाँ इंडिया पाकिस्तान की जो जीरो लाइन है किसान है इससे आगे। गाइस देख रहे हो हालत बाहर की। हेलो गाइस, कैसे आप सब? सबको राम राम, जय माता दी। और आपको पता है इंडिपेंडेंस डे, तो सबको वारत माता की जय। तो गाइस आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम शाम को निकल रहे हैं, कुछ ऐसे ही प्लान बन गया है बाहर जाने का। तो आज हमारे साथ जो न्यू हमारे भाई आए हैं, रामबन से, स्पेशल रामबन से आए हुए हैं, हम उनसे रूबरू होते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जे रहे भाई हमारे जिस स्पेशल रामबन से आए हुए हैं, बाकी आप पीछे जो खड़ा है उसको तो आप जानते ही हो ऑलरेडी। तो गाइस ठीक है, अभी चलते हैं, घूम के आते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जो मतलब आप पहले भी आपको मैंने बताया था बाबा चमलियाल की देवस्थान पर। एक्चुअली हमने ये सडनली प्लान इसलिए बनाया क्योंकि हमारे भाई जो है ना वो रामबन से आए हुए हैं, तो इसलिए हम लोगों को उनको मतलब दिखाने के लिए हम जा रहे हैं। ये बंदे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं जहाँ पे, तो ना हम भी ऐसी मतलब जो अच्छी चीजें हैं वो दिखाएं इनको। तो इधर से अंदर कर लो, ये वाला बोर्ड है ना, ये वाला इससे अंदर कर लो आप। तो गाइस ये रहा बोर्ड, देख रहे हो सामने, अब इधर से हम लोग अंदर जाएंगे। ये बिलर से होके हुए रास्ता है वो जा रहा है, क्योंकि आगे से वाला जो रास्ता है ना वो बड़ा लंबा है और आगे खराब भी है, इसलिए ये वाला रास्ता हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। टाइम तो चलो बड़ा ज्यादा हो गया है, शाम का टाइम है इस टाइम, कोई 7:30 बज रहे हैं। कोई नहीं, हम लोगों ने क्या करना है, वहां पे ऐसे दर्शन ही करने हैं, तो ठीक है होके आते हैं, आपको भी दिखा देते हैं आज फिर से बाबा चमलियाल के देवस्थान को। बस आपको वीडियो अच्छा लगेगा ना प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सके तो आगे शेयर कर दिया करो। गाइस अभी हम लोगों ने जहाँ गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम जा रहे हैं अंदर वाली साइड, तो चलो आपको अंदर लेके जाते हैं और दर्शन करते हैं बाबा जी के। तो ये रहा बाबा जी का देवस्थान, जिस सामने जो प्रवेश द्वार है मेन गेट है, हम इसी से होके अंदर जाएंगे। गाइस मैं बड़ी बार जहाँ पे आता रहता हूँ और दिन मतलब बहुत बार जहाँ पे आया हूँ और मतलब जितनी बार भी आता हूँ ना सुकून मिलता है जहाँ पे। आप लोगों को भी मैं एक बार ये सजेस्ट जरूर करूँगा कि आप भी एक बार जहाँ पे ज़रूर आओ दर्शन करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे ना जो भी बंदा आता है ना सच्चे मन के साथ, तो मतलब उनको कोई स्किन की प्रॉब्लम होगी ना मतलब एकदम ठीक हो जाएगी। सिर्फ जहाँ पे आना है सच्चे मन से और बाबा जी को मन्नत करो कि बाबा मैं ठीक हो जाऊँ, और मैं 101% आपको बोल सकता हूँ कि ठीक हो जाओगे आप। तो प्लीज़ आप जहाँ पे एक बार दर्शन करने जरूर आओ, क्योंकि ये मतलब जो देवस्थान है ना, ये मतलब इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे मतलब LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, एकदम से आप आओ एक बार दर्शन करने के लिए। तो चलो आपको भी मैं अंदर लेके चलता हूँ। तो ये रहा आप अंदर जाने का रास्ता, ये एक बार फिर से देख लो बाबा जी का, जय बाबा चमलियाल। अभी अंदर चलते हैं हम लोग। ये देखो पानी जी अंदर से आता है, इसी से अंदर से पानी आएगा, यही शरबत है। हाँ मतलब इसी से ना आप लोग नहाएंगे और यही पीना है आप लोगों ने जहाँ पे, इस मतलब इसी चीज का महत्व है जहाँ पे। गाइस आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर कोई बंदा जहाँ पे आता ना इसी शरबत को यूज करना है, इस पीने के लिए और स्नान करने के लिए, और तब जाके आपकी मतलब की थोड़ी राहत मिलेगी। गाइस अभी हमने बाल्टी अंदर डाली हुई है, ये देखो अभी पानी निकलेगा बाहर। इसके चढ़ेगा ऊपर फिर होगा, इसके ऊपर चढ़ लो, सीधी करो, घुमा लो इसको, घुमा लो। चलो
पानी निकाल कल पानी खींच 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 नहीं खींच बल्ले कर हाँ पैर ना ऊपर चल पकड़ बाल्टी आ जा। तो गाइस ये देख रहे हो पानी बाहर आ गया है, पानी से थोड़ा सा ही निकाला, चलो कोई ना काफी है। गाइस ये देख रहे हो शाम का टाइम कितना सही लग रहा है ना मंदिर, दिन को भी हम लोग आते थे तब इतना सही नहीं लगता था, अब शाम का टाइम है हवा इतनी ज्यादा तेज चल रही है ना, हाँ मजा आ जाएगा अब दर्शन करने का। ये देखो कितना सही लग रहा है, ये देखो चलो अंदर चलते दर्शन के लिए अब बाबा जी के। चलो गाइस दर्शन करते हैं, अभी मुंह हाथ धो लिया था मैंने, अब दर्शन कर लेते हैं। ये रे बाबा जी का देवस्थान, तो कितना प्यारा है ना, दिल खुश हो जाता है। गाइज मैं जितनी बार भी जहाँ पे आता हूँ ना, जितनी बार भी आता हूँ जहाँ पे, मतलब इतना मन खुश होता है ना जहाँ पे आके, दिल को सुकून मिल जाता है। और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आप प्लीज़ एक बार बाबा जी के दर्शन करने आओ, आप एक बार आओगे मन खुश हो जाएगा आपका। गाइज देख रहे हो अंधेरा कितना ज़्यादा हो गया, और मज़ा भी मतलब इसी टाइम आ रहा है, दिन में मैं बहुत बार आया हूँ, कितना मजा तब नहीं आता था जितना अब आ रहा है शाम के टाइम में। अब मैं दिखाता हूँ आपको शक्कर भी, ये देखो ये शक्कर है, ये भाई लोग शक्कर डाल रहे हैं इसमें, देखो शक्कर भर रहे हैं पूरी, ये होती है सेवा। ऐसी शक्कर को ना आप स्किन पे लगाओगे तो ठीक हो जाओगे। गाइस ये देखो सीढ़ियाँ, ये मतलब आगे बड़ा रास्ता है जहाँ इंडिया पाकिस्तान की जो जीरो लाइन है, मैं देखता हूँ वो तो सामने आपको लाइट दिखना शुरू होगी होगी, बस यही लास्ट बॉर्डर हमारा। तो गाइस अभी हम लोग हैं बॉर्डर पे, दिखने जा बिल्कुल अंधेरा, हम आपको भी एकदम से लाइट पड़ रही है तो मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको मैं दिखाता हूँ बॉर्डर, ठीक है बॉर्डर दिखाता हूँ आपको बिल्कुल एकदम से पास से, एकदम से पास से दिखाता हूँ बॉर्डर आपको। ये देख रहे हो ये पाकिस्तान है, ये लाइट दिख रही है, ये पाकिस्तान है इससे आगे। तो गाइस ये रही इंडिया पाकिस्तान की जो लाइन है, जहाँ पे ख़त्म होती है उससे अगली साइड पाकिस्तान है। आप भी इतने पास से दर्शन कर लो। गाइस इतनी ज़्यादा बारिश आ गई ना अभी, एकदम से मतलब भागना पड़ा है। गाइस देख रहे हो हालत, कपड़े पूरे भीग गए हैं, बट जैसे दर्शन करके हम लोग आए ना, हम सोचे चलो बॉर्डर साइड चलते हैं, बट चले तो गए वापस आना मुश्किल हो गया था, और बारिश इतनी ज्यादा मतलब एकदम से मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो गई थी, सांस देखो कैसी खुली हुई है, दौड़ दौड़ के आए हुए हैं ना। तो कोई नहीं गाइस, जितना भी हम दिखा पाए आपको दिखा दिया, अगर आपको अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज एक बार जहाँ भी आप जरूर आना, बहुत अच्छी जगह है।
मन को शांति आपको जरूर मिलेगी। और बाहर का नजारा देखो कितनी बारिश हो रही है, अब तो दिख नहीं रहा कुछ भी, फॉग ही फॉग हो गया अंदर। ये देखो साफ करता हूँ थोड़ा सा इसको, कितनी बारिश हो रही है। और इधर देखो हालत, पूरी कैब डाली इसको 15 अगस्त का, इतना ज्यादा शौक है ना देखो, मतलब कि बचपन के शौक है अभी बचपन दे रहे टाइम हो गया रात का, तो थोड़ा पापा कम ही चल रहा है, बारिश भी बड़ी तेज है ना, तो आप ना आराम आराम से चलो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आराम से चलो, आराम से आराम से मजा। एक मिनट रुको, वेट 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 हाँ इधर सीधा 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 ही है, कहीं पता नहीं चल रहा है, बारिश बड़ी तेज है ना अभी, आज यही रास्ता ठीक है, सही चल रहा है। कौन से देखो कौन से रास्ते से हम लोग आए हुए हैं, जंगलों के बीच बीच में से होते हुए। तुझे क्या हो गया आंखों में, गए इसको आई ब्लू हो रहा है, आई ब्लू हो रहा है, डर लगता है उससे, आई ब्लू हो रहा है इसको, तुझे नहीं हो रहा है ना भी, आई ब्लू नहीं हो रहा है, तुझे कौन सा ब्लू हो रहा है, सबको ब्लू है, सबको प्रोने आएंगे, प्रोने बारिश बारिश इतनी तेज होनी चाहिए, इतना ज्यादा इतनी ज्यादा बारिश हो, पानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चावल में पानी आने चाहिए, चावल में पानी आना चाहिए, उससे क्या होगा, चावल अच्छे होंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे, यार कैसी बात करता है यार, खराब हो जाएंगे तो सीधा वो ना, फसल अच्छी हो जाएगी बारिश होने से। गाइस देख रहे हो हालत बाहर की, इतनी तेज बारिश हो रही है ना, हमारे वहाँ बारिश पूरे रोड ब्लॉक, इतनी सारी बारिश, इतनी बारिश हो रही है उधर, इतनी अगर बहुत तो रोड ब्लॉक होते हैं पूरे रोड, रामबन वाले सारे हैं, इधर ही आ जाओ, फिर बारिश तो हो रही है, बारिश आया बड़ी तेज हो गई है, पूरे पहाड़ नीचे आ जाएंगे, रोड एकदम ब्लॉक, तुम्हें क्या बोल रहे हैं, इतनी बारिश हो, नींद नहीं आ, चावल आज ही निकल जाए, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, इसका कहने का मतलब चावल आज ही निकल जाए इसके।